नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जनपद जौनपुर में इंटर का परीक्षा परिणाम आते ही एक बुरी खबर सामने आई है। परीक्षा में थर्ड डिवीज़न पास होने पर एक छात्र ने फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरी वीरगहीपुर गांव का है, जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा सौरभ कुमार मिश्रा ने दी थी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया, जबकि उसके सहपाठियों को अधिक अंक मिले थे। इससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि सेमरी वीर गहीपुर निवासी उदयभान मिश्र के 18 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार मिश्रा को शनिवार को घोषित 12वीं के नतीजे में उसे अपेक्षा से काफ़ी कम अंक मिले थे। अन्य साथियों के प्रथम व द्वितीय श्रेणी जबकि स्वयं तृतीय श्रेणी में पास होने से वह बहुत तनावग्रस्त था। परिजनों ने काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया। एक दो निवाला खाने के बाद वह सोने चला गया। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे बाथरूम से लौटने के बाद उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद परिजनों ने दरवाज़ा बंद देख आवाज़ लगाई। भीतर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठे। किसी तरह दरवाज़ा खोला तो पंखे में साड़ी से फंदे के सहारे शव लटका दिखाई पड़ते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता सहयोगियों के साथ मौके पर आ गए। पुलिस ने फंदा खोलकर शव उतरवाया। माँ लक्ष्मी देवी बेटे का शव देखते ही रोते रोते बेसुध हो गई। मृत सौरभ दो भाइयों में छोटा था। तीन बहनों में से दो की शादी हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।